दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक्शन में आ गई है। छापेमारी और गिरफ्तारी का कार्य लगातार जारी है। खबर है कि ड्रग्स मामले में शिवसेना विधायक यामिनी जाधव के बेटे निखिल यशवंत की भी गिरफ्तारी हुई है। निखिल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई की बाईकुला से शिवसेना विधायक यामिनी जाधव के बेटे निखिल यशवंत को ड्रग्स मामले में मुंबई पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार बेटे की गिरफ्तारी के बाद निखिल के पिता की गाड़ी पुलिस स्टेशन के पास मंडराते हुए देखी गई। लोगों का मानना है कि पुलिस से सेटलमेंट करने की फिराक में है ताकि मामला एनसीबी तक न पहुंच पाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत पटेल ने ट्वीट कर कहा कि बेबी पेंगुइन के दबाव में पुलिस ने शिवसेना विधायक के बेटे निखिल को रिहा कर दिया, लेकिन अजय नाम के किसी एक दोस्त को पुलिस ने रिमांड में रखा है और उसकी पिटाई भी हुई है। प्रशांत अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं कि शिवसेना के समर्थन से ड्रग्स रैकेट चल रहा है और बेबी पेंगुइन खुद ड्रग्स पार्टियों में शामिल होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स अपने मन की बात जरूर बताएगा और ऐसे लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।